हेलो एंड वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। मेरा नाम निधि सेखो है। मैं पैनोरामिक इंडियन पेंटिंग क्लासेस 9th to 12th की को ऑथर हूँ। पहला वीडियो था यूनिट 1 कला के मूल आधार और चैप्टर 1 कला के तत्व। इस वीडियो से मैं अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का भी स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कला के सिद्धांत। तो शुरू करने से पहले मैं एक एडवाइस दूंगी आपको कि अगर आपको ये सीरियसली आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में करना है तो बेटर होगा आप इंग्लिश में भी अभी से शुरू करें, क्योंकि इंग्लिश की किताबें बहुत हैं आगे वेस्टर्न आर्ट की भी, और हिंदी कंटेंट नहीं मिल पाता। तो सूनर द बेटर आप अभी से अगर इंग्लिश पे थोड़ा फोकस कर लेंगे और इंग्लिश में ही सीखेंगे, आपकी वोकैबुलरी बाय लर्निंग आर्ट बुक्स ही बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। मेरी खुद की हुई है, सो आई कैन गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। तो इट इज़ बेटर कि आप विजुअल आर्ट्स को इंग्लिश में पढ़ना शुरू करें एंड सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। कला के सिद्धांत हमें कला के तत्वों को अरेंज और ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। कला के तत्वों की तरह ही ये हमें कला को और बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं और आगे जाके हमें और शब्द देते हैं ताकि हम कला को सराह सकें और कला का विश्लेषण कर सकें। कला के सिद्धांत हैं संतुलन, जोर या प्रभुत्व, प्रतिरूप, लय, अनुपात, वैरायटी, एकता या सामंजस्य। पहला सिद्धांत है बैलेंस या संतुलन। संतुलन का अर्थ है कि सारे कला के तत्व यानी लाइन फॉर्म, कलर, टेक्सचर, स्पेस को इस तरह दर्शाया जाए कि अगर हम पेंटिंग को दो भाग में बांटें तो एक पार्ट दूसरे से अलग, ऑड या ज़्यादा भारी नहीं लगना चाहिए। उन सब में एक संतुलन होना ज़रूरी है। बैलेंस या संतुलन तीन प्रकार का है, औपचारिक, अनौपचारिक और रेडियल। औपचारिक संतुलन में अगर इमेज में बीच की रेखा खींचे तो लेफ्ट और राइट बिल्कुल एक समान लगते हैं, जबकि अनौपचारिक में ऐसा नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं लेफ्ट के बड़े घेरे को राइट के छोटे घेरे से बैलेंस किया गया है। रेडियल संतुलन में कॉम्पोजिशन में एक सर्कुलर फॉर्मेशन होती है, हमारा ध्यान या बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की ओर खींचता है। औपचारिक संतुलन को समझने के लिए आप ये दोनों उदाहरण देख सकते हैं। पहले वाले में अगर आप बीच में लाइन खींचे तो लेफ्ट राइट बिल्कुल समान लगेंगे। थोड़े से अगर आप गेम की तरह ढूंढना चाहें तो ज़रूर आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन दे आर वेरी सिमिलर। अगर आप अपने सिलेबस में से ढूंढना है तो डेक्कन स्कूल की डांसर्स, उनमें पूरा औपचारिक संतुलन है। उनकी ड्रेस, उनके पैर, उनकी हाथ मिल रहे हैं और पीछे इवन बिल्डिंग्स भी लेफ्ट राइट मिरर इमेजेस हैं। पीछे एक बिल्डिंग है जो सेंटर में है, अदरवाइज लेफ्ट राइट आर एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल। अनौपचारिक संतुलन के लिए ये हम उदाहरण देख सकते हैं। पहली इमेज में वास राइट पे है, फ्लावर्स का वेट लेफ्ट की तरफ गिर रहा है, सो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपने सिलेबस से लेना है तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की पेंटिंग आप देख सकते हैं। राइट पे ट्री भी है, फिगर भी है, लेकिन लेफ्ट साइड एम्प्टी नहीं है, पूरा खाली छोड़ते तो ऑड लगता है, एक तरफ से ज़्यादा भारी लगती, लेकिन इस तरह से एक इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन क्रिएट किया गया है। रेडियल संतुलन के लिए हैं ये दोनों उदाहरण। पहले में आप देख सकते हैं सर्कुलर कॉम्पोजिशन में डिज़ाइन सेंटर से डेवलप हो रहा है, और अपने सिलेबस से देखना चाहें तो चौगान प्लेयर्स फ्रॉम राजपूत स्कूल, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बॉल में है, बीच में उस जगह को एम्प्टी छोड़ा गया है, लेकिन आउटर में हॉर्स राइडर्स, ऑल दीज लेडीज ऑन देयर हॉर्सेस, एक सर्कुलर अरेंजमेंट ही डेवलप हो रहा है ओवरऑल, विच इज़ मेकिंग दिस कॉम्पोजिशन वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रभुत्व। प्रभुत्व का अर्थ है सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करना, यानी ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी जगह पे जहां आप चाहते हैं कि देखने वाले की आंखें सबसे पहले पहुंचे। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे ही मैंने स्लाइड खोली होगी पहला ध्यान आपका इस रेड डॉट की तरफ गया होगा। सो आर्टिस्ट मैनिपुलेट कर सकता है कला के तत्वों को ताकि हम किसी का ध्यान उस तरफ केंद्रित कर सकें। जैसे ही हम ये पोस्टर देखते हैं लेफ्ट साइड का, हमें सिरिंज नज़र आता है और लाल घेरा नज़र आता है, ऊपर लिखा है टाइम टू वैक्सीनेट। सो द मोमेंट वी सी, हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें क्या करना है। अगर आपने सिलेबस का एग्जांपल लेना है तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन फ्रॉम मुगल स्कूल, इसमें श्री कृष्ण को सेंट्रैलिटी दी गई है, उनको सबसे ज़्यादा प्रभुता दी गई है ताकि हमारा ध्यान का केंद्र वही बने। बहुत सारी फिगर्स हैं आसपास, ऊपर एक माउंटेन भी है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान ये पीताम्बर श्री कृष्ण पर ही जाता है बिकॉज ऑफ द कलर, और पीछे उसका जो मैनिपुलेट करके आर्टिस्ट ने हमारा ध्यान उनकी तरफ केंद्रित किया है। अगला सिद्धांत है पैटर्न या प्रतिरूप।
प्रतिरूप में एक ही डिज़ाइन एलिमेंट को बार बार दोहराने से एक लय का अनुभव दिया जा सकता है। जैसे गानों में एक बीट से पूरा गाना इंटरेस्टिंग बन जाता है, कला में भी एक पैटर्न से यानी एक ही एलिमेंट को रिपीट करके कला को और आकर्षित बनाया जा सकता है। ऊपर आप देख सकते हैं इमेजेस में ब्लू ट्रायंगल है, रेड सर्कल है, ये रिपीट हो रहे हैं और पैटर्न बन रहा है। उसके नीचे छोटे इमेजेस आप देख सकते हैं, चाहे डिज़ाइन बड़ा छोटा है लेकिन अगर हम उस इमेज को बड़ा करके देखें तो एक इंटरेस्टिंग ओवरऑल कॉम्पोजिशन क्रिएट हो रहा है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए आपके सिलेबस की। पहली भरत पीथ राम एट चित्रकूट, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती हैं ये वाइट फिगर्स, चाहे एक दो तीन अलग अलग हैं लेकिन फिर भी हमारा ध्यान इनकी तरफ आकर्षित होता है, फिर एक से दूसरे की तरफ हमारा ध्यान पूरी पिक्चर में घूमता है। सेम गोज़ फॉर सेकेंड पेंटिंग मैरिज प्रोसेशन ऑफ तारा शिको, इसमें घोड़े और घुड़सवार लेफ्ट में जो लाइन फॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा ध्यान नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। एग्जैक्ट नहीं है समझने के लिए एग्जाम्पल्स ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया हमें पैटर्न का लग जाता है। रिदम या लय, रिदम या लय का अर्थ है सजेशन ऑफ मोशन या संचार का संकेत। ये संचार का संकेत अलग अलग तत्वों को प्रयोग में लाके हम एक पेंटिंग में ला सकते हैं। हमारी आंखें सबसे पहले एक डोमिनेटिंग पार्ट पे टिकती हैं, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में जाती हैं, वो चाहे गोलाई में हो या ऊपर से नीचे हो या लेफ़्ट टू राइट हो। जैसे आप ऊपर इमेजेस में देख सकते हैं, फर्स्ट इमेज में हमारी आंखें लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं क्योंकि एक तो एरो शेप है और दूसरा येलो ब्लैक रिपीट हो रहा है। दूसरी इमेज में भी इसी प्रकार शुरू में क्राउडेड है, एलिमेंट्स काफ़ी हैं, तत्व काफ़ी हैं, लाइंस हैं, कलर्स हैं और धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं और श्रिंक होते जा रहे हैं, तो इस तरह से एक रिदम क्रिएट हो रहा है। अब लय के उदाहरण देखते हैं। पहली पिक्चर जैसे मैंने पैटर्न में भी बताया था प्रतिरूप में कि वाइट फिगर्स हमें एक से दूसरी तरफ की डायरेक्शन में हमारी आंखों को लेके जाती हैं। अब हम नीचे वाली तस्वीर को देखें जो प्रिंट है बाय कृष्णा रेड्डी कॉल्ड वर्लपूल, इसमें भी ऊपर एक इंट्रिकेट पार्ट है, एक मतलब नैरो करके बनाया गया है चीज़ को, और जैसे हम बाहर की तरफ नीचे की तरफ आते हैं तो डिज़ाइन वाइड हो रहा है। डिज़ाइन कह लीजिए, शेप कह लीजिए, बबल फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट जो भी उन्होंने वो विस्कोसिटी प्रिंटिंग की का यूज़ करके बनाया है, वो चीज़ हमें हमारे लिए एक रिदम क्रिएट कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर डार्क है, फिर छोटा हो रहा और धीरे धीरे नीचे को एक्सपैंड हो रहा है, तो हमारी आँखें ऐसे मूव करती हैं। सो दिस इज़ वॉट यू कॉल रिदम या लय। प्रोपोर्शन या अनुपात, अनुपात का अर्थ है वन पीस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट और टू अदर ऑब्जेक्ट्स। यानी जब हम फेस बनाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि आंखें कितनी बड़ी होनी चाहिए फेस के हिसाब से, नोज़ और लिप्स का गैप कितना होना चाहिए, माथा ज़्यादा चौड़ा ना हो या ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि सारी चीज़ें अनुपात में आए। वही चीज़ अगर हम मार्केट सीन बनाएं तो अगर 6 फुट का आदमी खड़ा है तो उसके साथ की बाइक कितनी बड़ी होनी चाहिए, कार कितनी दिखनी चाहिए, पेड़ या पीछे बिल्डिंग्स कितनी बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो अजीब लगता है। आगे की 2 स्लाइड्स में आप उदाहरण देख सकते हैं कि हम ह्यूमन फिगर को जनरली 7.5 हेड्स पे बनाते हैं और ह्यूमन फेस की भी हमें डिवीज़न प्रॉपर करनी पड़ती है, नहीं तो ठीक से प्रोपोर्शन या अनुपात नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेंटिंग है आपके सिलेबस की, राम वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन बाय राजा रवि वर्मा। इसमें श्री राम का ही इमेज अगर हम फोकस करें तो मुंह का और बाकी बॉडी का प्रोपोर्शन बिल्कुल सही है। अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें, परिप्रेक्ष्य देखें, तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड पीछे की फिगर्स छोटी हैं और जैसा उन्होंने एपिसोड की कल्पना की थी वैसा उन्होंने रियलिस्टिकली बना दिया। आगे चलते हैं, हमारा अगला सिद्धांत है वैरायटी या विविधता। वैरायटी इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू क्रिएट अ विजुअल इंटरेस्ट। यानी अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग शेप्स, अलग अलग कलर्स को यूज़ करके हम कॉम्पोजिशन में देखने वाले की रुचि पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि उनमें एक एकता हो। अगर एकता नहीं होगी तो ऐसा लगेगा जैसे अस्त व्यस्त है, कुछ गड़बड़ है। अगर विविधता नहीं होगी तो बोरिंग सा लगेगा। ऊपर वाला आप एग्जांपल देख सकते हैं, इन सर्कल्स में अलग अलग टोन्स हैं, अलग अलग साइजेस हैं, ऐसे लग रहा है कुछ पीछे जा रहे हैं कुछ आगे जा रहे हैं, जिस वजह से ओवरऑल इंटरेस्टिंग लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये बंगाल स्कूल पेंटिंग कॉल्ड मेघदूत बाय रामगोपाल विजयवर्गीय, इसमें विविधता की भरमार है, इतने सारे एलिमेंट्स हैं
ट्रीज हैं, हट्स हैं, रॉक्स हैं, ह्यूमन फिगर है, सॉफ्ट से क्लाउड्स हैं, इन सब में हार्मनी भी है और एक वैरायटी भी है। ओवरऑल पेंटिंग जैसे इमेजिन की थी कालिदास जी ने अपनी रचना मेघदूत में, पेंटर ने उसको क्रिएट करने के लिए बहुत ब्यूटीफुल हार्मनी, बहुत अच्छा सामंजस्य क्रिएट किया है विविधता को, वैरायटी को यूज़ करके। हमारे आखिरी सिद्धांत हैं यूनिटी हार्मनी यानी एकता और सामंजस्य। इनको अलग अलग सिद्धांत भी गिनते हैं लेकिन ये इंटर रिलेटेड हैं, आपस में मिले जुले हैं तो हम इन्हें एक साथ ही समझ सकते हैं। हार्मनी यूनिटी इन आर्ट एंड डिज़ाइन इज द विजुअली सेटिस्फाइंग इफेक्ट, यानी जब हमें लगे कि अब पेंटिंग कंप्लीट है, कुछ भी मिसिंग नहीं है और जो जो एलिमेंट्स हमने, चाहे वो अलग अलग हों या एक जैसे हों, जो भी यूज़ किए हैं वो लगें कि आपस में उनका तालमेल बन रहा है। जैसे ऊपर में आप लेफ्ट वाली इमेज देखिए, बीच में लाइट है, येलो है, बाहर की तरफ वायलेट है। कंट्रास्टिंग कलर्स को यूज़ करके कॉम्पोजिशन में टेक्सचर्स और वैरायटी लाके एक कम्प्लीटनेस दी है। सेकंड इमेज में भी शेप्स जा रही हैं राइट की तरफ और मिल रही हैं, इन शेप्स में एक हार्मनी है, पूरा कंप्लीट फीलिंग आ रही है देखने वाले को। सेम राइट में भी ग्रेडेशन से डार्क टू लाइट इफेक्ट क्रिएट किया है, यानी जब लगे कि सब कुछ कंप्लीट है तो उसे हम हार्मनी कहते हैं। एकता और सामंजस्य के उदाहरणों के लिए आप अपने सिलेबस के सारे आर्टवर्क्स का एनालिसिस कर लीजिए, सब में आपको हार्मनी और यूनिटी मिल जाती है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इन सिद्धांतों की मदद से हम आर्टवर्क्स को सराह सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। इस पेंटिंग में श्री राम को बैलेंस किया है राइट की छोटी फिगर्स के साथ और एक पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है, परिप्रेक्ष्य क्रिएट किया है। फिर उन्हीं की पेंटिंग में ज़्यादा जोर है और ज़्यादा प्रभुत्व है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर हैं। फिर पैटर्न क्रिएट होता है ऊपर बादलों में और नीचे लहरों में, इसी चीज़ की वजह से एक रिदम आता है जो हम ऊपर बिजली चमकती में देख सकते हैं। फिर इस गुस्से से ये जो वेव्स क्रिएट हो रही हैं वाइट कलर, और फिर यही वाइट हमें श्रीराम के कपड़ों की तरफ लेके जाता है, तो इस वाइट से एक रिदम आ रहा है। प्रोपोर्शन सही है, अनुपात सही है क्योंकि ये रियलिस्टिक पेंटिंग है। फिर वैरायटी लाएं तो इतने सारे टेक्सचर्स हैं, बादलों के, वेव्स के, रॉक्स के, कपड़ों के, स्किन के, ये सब पूरी वैरायटी क्रिएट की है। और इन सब सिद्धांतों को मिला के पूरा एक कंप्लीटनेस है, एक हार्मनी है, एक सामंजस्य है। तो लीजिए हमने एक विश्लेषण कर लिया। अब अंत में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पहली स्लाइड में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, दूसरी में मल्टीपल चॉइस हैं, और कहीं कुछ सुझाव या कोई डाउट है वो आप नीचे फीडबैक या कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।